आज देश भर में जो भी आंदोलन है वो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवादी लोग कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि लोगों को क्या हुआ है और वो आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हो रहे, लेकिन आज भी जो आंदोलन जिंदा है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों के प्रेम जिंदा है। मैं आपको ये क्यों हो रहा है सब, ये क्यों हो रहा है, तो मैं आपको गोलवलकर का एक प्यारा पटके दिखाता हूँ कि हमारे दुश्मन कौन है हम समझे। गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स, गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं राजेंद्र हेम साहब कि भारत का संविधान जहरीला बीज है। भारत का संविधान साहब जरा आगे आ जाए, जहरीला बीज है कौन लिखता है, गोलवलकर। और किसके लोग सत्ता में है, गोलवलकर के लोग सत्ता में है, संघ के लोग सत्ता में है, तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे। मैं तो पहले करने वाला था कि मोदी शाह दो गुंडे झूठ के पुलिंदे ये घोषणा देने वाला था, लेकिन मैंने विजय साहब वकील साहब की इजाजत लेंगे बाद में लेंगे। लेकिन हम सुनिए कि गोलवलकर का कहना था कि भारत का संविधान जहरीला बीज है। हिजेन साहब सभी विधानसभाएं या राज्य सरकारों को समाप्त घोषित कर दिया जाना चाहिए, सभी विधानसभाओं और राज्य सरकारों को समाप्त घोषित कर देना चाहिए। भारत की सरकार सुनिए जो